Dear students now we are going to talk about designing questionnaire in survey research this is the most important step in the uh, survey research because if you have not designed a good questionnaire then there is the possibility of low response rate and there will be the issues of face validity as well Uh, जब हम uh, एक अच्छे क्वेश्चनर के डिज़ाइन की बात करते हैं कि उसको कैसे डिज़ाइन किया जा सकता है तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं आइए देखते हैं कि वो प्रिंसिपल्स क्या हैं फर्स्ट वन इज़ द अवॉइड जागन स्लैंग एंड एब्रीविएशन आप जो क्वेश्चन डिज़ाइन करें तो उसमें जागन्स नहीं होने चाहिए उसमें स्लैंग्स नहीं होने चाहिए फॉर इंस्टेंस जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल दी गई है डिड यू प्ले वीडियो गेम अंटिल यू लॉस्ट लास्ट नाइट तो इट्स अ काइंड ऑफ अ स्लैंग इन इट के यू हैव द लॉस्ट द गेम यू वेन यू आर प्लेइंग लास्ट नाइट तो इसको हम uh, कैसे बेहतर अंदाज से uh, जो है पूछ सकते हैं अपने रिस्पोंडेंट से लास्ट नाइट अबाउट हाउ मच टाइम यू स्पेंट ऑन प्लेइंग वीडियो गेम हमारे लिए एज अ रिसर्चर जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो ये थी कि एक रिस्पोंडेंट जो है वो कितना टाइम स्पेंड कर रहा है ऑन प्लेइंग द वीडियो गेम्स दूसरा प्रिंसिपल जो है वो है अवॉइड एम्बिग्विटी क्वनफ्यूजन एंड वेगनेस आप कोशिश करें जब आप आ, अपने क्वेश्चन डिजाइन कर रहे हैं क्वेश्चन एयर के लिए तो उसमें कन्फ्यूजन ना हो वेगनेस ना हो और एम्बिग्विटी ना हो जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दी गई है डू यू ईट आउट ऑफन तो दिस इज़ नॉट अ क्लियर क्वेश्चन तो इसको अगर हम अच्छे तरीके से पूछे तो वो कुछ इस तरह होगा इन अ टिपिकल वीक अबाउट हाउ मेनी मील्स डू यू ईट अवे फ्राम होम एट अ रेस्टोरेंट कैफेटेरिया और अदर ई ट्री इट्स में हमने क्लियरली uh, पूछ लिया कि आप एक हफ्ते में कितनी दफ़ा बाहर खाना उगा गए हैं रेस्टोरेंट में या किसी और जो है ईट्री uh, के ऊपर थर्ड प्रिंसिपल जो है वो ये है कि अवॉइड इमोशनल लैंग्वेज एंड प्रस्टीज बायस मोस्ट ऑफ द टाइम और जब हम सेंसिटिव टॉपिक्स पे अपना क्वेश्चन या डिजाइन करते हैं तो हमें इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है प्रिस्टीज इज़ अ प्रॉब्लम इन सर्वे रिसर्च क्वेश्चन राइटिंग दैट अकश वैन अ हाईली रिस्पेक्टेड ग्रुप और इंडिविजुअल इज एसोसिएटेड विद आंसर चॉइस इसमें आप जब किसी एक जो है अपर क्लास या किसी ब्यूरोक्रेट या किसी पॉलिटिशन से जब सवाल कर रहे हैं तो उसमें आप क्वेश्चन डिजाइन करते वक्त इसका शिकार हो सकते हैं तो हमने इसको भी अवॉइड करना होता है अपने क्वेश्चन को जब हमने डिज़ाइन करना है सो अवॉइड डबल बैरल्ड क्वेश्चन एज वेल एक अच्छा सवाल सवालनामा जो होता है जो क्वेश्चन होता है उसमें डबल बैरल्ड क्वेश्चन नहीं होते डबल बैरल्ड क्वेश्चन जो होता है उसमें कंसिस्ट ऑफ टू और मोर क्वेश्चंस मिक्स टुगेदर इसमें आप दो चीज़ें इकट्ठी एक ही सवाल में पूछ रहे होते हैं जैसे इसकी एक एग्जाम्पल दी गई है डज योर एम्प्लॉयर ऑफर पेंशन एंड हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स तो इसमें दो चीज़ें आप इकट्ठे पूछ रहे हैं पेंशन के बारे में भी पूछ रहे हैं और हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में भी पूछ रहे हैं असल में तो ये ऐसे होना चाहिए था कि डज योर एम्प्लॉयर ऑफर पेंशन एंड डज योर एम्प्लॉयर ऑफर हेल्थ बेनिफिट्स इसी तरह आप जब क्वेश्चन डिजाइन करते हैं तो यू हैव टू अवॉइड लीडिंग क्वेश्चन एज वेल जिसकी एक एग्जाम्पल ये है कि डिड यू डू पेट्रियाटिक ड्यूटी एंड वोट इन द लास्ट इलेक्शन फॉर प्राइम मिनिस्टर तो हेयर यू आर लीडिंग द रिस्पोंडेंट कि आपने जो करंट प्राइम मिनिस्टर है उनके लिए वोट किया और ये इसको आपने हब्बुलवतनी के साथ जोड़ दिया इसी को अगर हम बेहतर अंदाज में पूछें तो वो कुछ इस तरह होगा डिड यू वोट इन लास्ट मंथ्स नेशनल असम्बली इलेक्शन यानी कि आपने जो कौमी असम्बली के इंतबा पिछले महीने हुए उसमें आपने क्या वोट किया तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें क्वेश्चन डिज़ाइन करते वक्त इनको केयरफुली देखना है और इनको देखते हुए अपना क्वेश्चन डिज़ाइन करना है